क्योंकि आप लोगों को सबको तकलीफ होती है ना, तुम कनाडा की बात नहीं करते, तुम कनाडा की बात नहीं करते, तुम कनाडा की बात नहीं करते, तो हम कनाडा की बात करेंगे आज, ठीक है। सो कनाडा में क्या हुआ, अभी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट देती हूँ लास्ट मेरे गायब होने से पहले। जनवरी में, हाय एंजल फ्रॉम स्काई, क्या हाल है? 100 लाइक्स करो गाइस, 200 लाइक्स होनी चाहिए। आप लोग शेयर भी नहीं करो, आज कहाँ है सारे, कोई और भी लाइव बैठा है क्या इस वक्त? आई जस्ट आई डोंट नो। सो कनाडा मेरी माही है। अच्छा, तो कनाडा में ये हुआ कि आपको पता है कोरोना की सारी का वैक्सीन पासपोर्ट, ट्रैवल करने पे आपको वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन वैक्सीन मास्क ये सब कुछ चल रहा था। और फिर इन्होंने क्या किया था कि ट्रकर्स पे सेंक्शन लगा दी थी, यूएस ने भी और कनाडा ने भी। यानी जब आप कनाडा से यूएस जा रहे होंगे तो वापसी में आने के लिए आपको 14 दिन की क्वारंटीन करनी पड़ेगी, यू हैव टू क्वारंटीन फॉर 14 डेज, और फिर जो है आप दोबारा लोड लेके जा सकते हो। तो सारे ट्रकर्स उठ के ऑटवा पहुंच गए थे, जो कैपिटल है कनाडा का। सारी जो ऑफिस बिल्डिंग, सारी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, वहां पार्लियामेंट भी वहीं पे, वहां जाकर इन्होंने जो वो एरिया है उधर जाकर ट्रक्स वगैरह पार्क कर दी, और 3 हफ्ते तक ये लोग वहां पर बैठ गए, ठीक है, हड़ताल में बैठ गए ऐसे कह सकते हो आप। उसी दौरान इन लोगों ने पहले हफ्ते में चंद बॉर्डर्स भी ब्लॉक कर दिए जो यूएस और कनाडा को कनेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स बंद कर दिए। तो बॉर्डर्स एक दिन तो चल गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन बस जो जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्रीज वगैरह थी, उनको ऑब्वियसली नुकसान होना शुरू हो गया। तो उन्होंने डंडा दिया बाइडेन को कि भैया बाइडेन भाई ये खुलवाओ। तो बाइडेन ने डंडा दिया ट्रूडो की गांड में, ट्रूडो से कहा भाई खुलवाओ। तो खैर बॉर्डर्स के जो जितने भी प्रोटेस्ट थे वो उन लोगों ने क्लियर करवा दिए, बॉर्डर्स खोल दिए। मगर ये जो कॉन्वॉय बैठा हुआ था ऑटवा में, और 3 हफ्ते तक ये लोग वहां बैठे, इन्होंने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए वहां पर, कोई गंद नहीं किया, अपना गंद खुद समेटा, सब काम खुद किए। और इट वाज लाइक अ फेस्टिवल फॉर 3 वीक्स। थर्ड वीक पे आकर, और थर्ड वीक से पहले एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी लाना चाह रहे हैं, जो कि जब कोई टेररिस्ट अटैक हो या कोई वॉर हो रही हो, यानी बिल्कुल जैसे कि आसमान टूटने वाला हो ना, तब जाकर कोई भी लीडर इमरजेंसी इस तरह के रूल्स लगा सकता है। अब ये क्या इमरजेंसी थी? तो लोगों ने कहा कि भाई आपके पास ऑलरेडी लॉज ऐसे हैं जिसको यूज करके आप इन कॉन्वॉय वालों को हटा सकते हैं। इसका मतलब ये कि यू हैव टू गेट इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स जो ये कर रहा था उससे इसको टोटल कंट्रोल मिल जाना था, राइट? टोटल कंट्रोल, लाइक अ डिक्टेटर कंट्रोल। सो लोग यही कह रहे थे कि दिस वाज हैपनिंग। अच्छा, तो खैर वो इमरजेंसी बिल पास करवा लिया इन्होंने, क्योंकि एनडीपी और लिबरल्स जो हैं वो घिची घिची है एक साथ, और कंजर्वेटिव्स ने वोट डाउन किया इसको। खैर एक जगह पास हो गया, फिर इसने सेनेट में जाना था। सेनेट में जाने से पहले ही ट्रूडो ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो डिसअसेंबल कर दिया इन लोगों ने वहां पर, आर्मी वगैरह, आर्मी तो नहीं थी वो, पता नहीं कौन से लोग थे, पता नहीं कौन से यूनिफॉर्म में थे, पुलिस वगैरह को भेज कर लोगों को वहां से हटवाया, चले गए ट्रकर्स वगैरह। दे डिडंट पुट अप लाइक एनी रेजिस्टेंट, कोई फाइट वगैरह नहीं की, कोई वायलेंस नहीं हुआ, चले गए ये लोग, पुलिस वालों की तरफ से वायलेंस हुआ। साथ साथ फेक न्यूज ऐसी चल रही थी, क्योंकि लोग वहां पे लाइव थे ऑन द स्ट्रीट्स, तो कितने कैमरेज चल रहे हैं, कितने लोग चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर अब आप मेन स्ट्रीम न्यूज देख रहे थे तो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। यानी शर्म आती नहीं इन लोगों को, शर्म नहीं आती। पुलिस वालों के ट्विटर पे झूठ बोले आ रहे थे, नीचे देखो कमेंट्स में तो लोग उनको लानते मार रहे कि भैया थोड़ा सा, थोड़ी सी शर्म कर लो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। सो जब ये इमरजेंसी पावर आई भी नहीं थी, पास हुई भी नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने क्या करा कि लोगों के, जो लोग वहां पर बैठे थे या जिन लोगों ने इन लोगों को फंड किया था, इन लोगों ने गो फंड मी स्टार्ट किया, उस पर कब्जा कर लिया पुलिस गवर्नमेंट ने, वो $10 मिलियन इन्होंने रेज किए थे। फिर उन्होंने एक और गो फंड मी है, आई थिंक क्या है वो, उसका नाम गो गेट गो कुछ ऐसी ही है उसका नाम, वहां पर इन लोगों ने ऑलमोस्ट $10 मिलियन रेज किए, उसको इन लोगों ने फ्रीज कर दिया। फिर इन्होंने बिटकॉइन के थ्रू $1 मिलियन $2 मिलियन रेज किए, उसको इन लोगों ने फ्रीज कर लिया। और जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, यानी अगर आपने $20 भी कंट्रीब्यूट किए थे उसमें, उनके बैंक फ्रीज कर दिए बैंक लोगों के, विदाउट कोर्ट, विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर, विदाउट एनी लॉ। अब आई अंडरस्टैंड कि जो लोग पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप इस तरीके से लोगों के अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते विदाउट एनी क्रिमिनल चार्जेस, विदाउट एनी एनीथिंग। ओके, अब आप कह रहे माली तुम ये क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो, मैं इस थंबनेल का ही बता रही हूँ आपको कि क्या हो रहा है।
तो अभी होना ये था, आई थिंक दे वांटेड इलेक्शंस या कुछ इस तरीके से. अब हमारी तीन पार्टीज हैं, मेन पार्टीज, एक हो गई लिबरल, एक हो गई एनडीपी और एक हो गई कंजर्वेटिव. इस वक्त हमारे पास लिबरल जो है वो माइनॉरिटी में है, दूसरी माइनॉरिटी है हमारी एनडीपी और तीसरे हैं कंजर्वेटिव. तो जब एनडीपी और लिबरल्स मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाती है आउट और फिर ये हो जाते हैं टुगेदर. तो इसी तरह से, और एनडीपी के लीडर कौन है हमारे, जगमीत सिंह जी. सिंह इज किंग, ए नंबर का करप्ट बंदा. ओके, ये तो एनडीपी तो लिबरल से भी गए गुजरे हैं भाई. सो इन लोगों ने बैक पीछे जाकर, बैक रूम्स में जाकर डील कर ली है ट्रूडो ने और जगमीत सिंह ने, और अब कहा है कि इलेक्शन 2025 तक नहीं होंगे. तो इस वजह से मैंने ये पिक्चर, क्योंकि इनका बड़ा दोस्ताना है दोनों का. ओके, अब ये डेढ़ महीना हो गया, अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर वीकेंड जो है बड़ी बड़ी सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं. गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, लाइक करना मत भूलना. ओके एवरीबॉडी प्लीज लाइक 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 लाइक. सो प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे हैं. अभी यूरोपियन यूनियन में जो पार्लियामेंट होती है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट, तो वहां पर सारे मुल्कों से लोग आए थे रशिया पे बात करने के लिए. रशिया पे ये बात करने आए हैं. तो अभी मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर दिखाना चाह रही हूँ जो आप देख सकते हैं. एक सेकंड में जरा इसकी एड चल जाए तो मैं आपको, आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर करती हूँ और मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ. बड़ा बड़ा मजे का वीडियो है, जरा देखिएगा जरूर. ओके, सो एक सेकंड में जरा इसको कहाँ गया, शेयर कर दूं. कहाँ गया यार, ये वीडियो देखिएगा. तो ये यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उनका वीडियो है, वहां पर जब ट्रूडो गया है तो उसके ऊपर क्या कमेंट्स आए हैं लोगों ने, क्या क्या कमेंट्स दिए हैं, तो मैं वो दिखाना चाह रही हूँ आपको. शेयर स्क्रीन, इतने टैब्स खुले हुए हैं यहाँ पर कि भाई अल्लाह मियाँ बस बचाए मुझको. अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं. That it would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. And with the Prime Minister of Canada, the way he's behaving right now, he's exactly like a tyrant, like a dictator. ये इसका नाम मुझे नहीं पता, मगर ये मेरे ख्याल से जर्मनी का है, आई डोंट नो विच कंट्री इज फ्रॉम. तो ये बोल रहा है कि ट्रूडो को देखो, ट्रूडो ने कैसा बिहेव किया है, वो एक डिक्टेटर की तरह जो है एक्ट कर रहा है कनाडा में. अभी क्या हुआ है, इफ इवन यू डाउट, इफ यू रेज डाउट्स अबाउट द वैक्सीन, यू आर आउटकास्टेड. कह रहा है कि अगर आपको डाउट भी है वैक्सीन के ऊपर, विच इज ट्रू, अगर आप डाउट भी करें, अगर आप जरा सा भी, अभी हमारे दो साल जो गुजरे हैं उस पे अगर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो वैक्सीन को, तो लोग ऐसे पढ़ रहे थे आपके ऊपर के पागल हो तुम, तो भाई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे, आपको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता था. What's the difference between what he does and what happened under the Inquisition? See, on one side they say, well, we should not believe in God, but on the other side they say, believe in science. We don't have to. Science is not about belief. Now, ये जैसे कह रहा है ना कि we don't have to believe in God, which I agree with, you don't have to believe in God, believing in science, anything you want to believe in, I believe in science, but I want to believe in scientific facts. In science, हर जो है ना एक जैसी नहीं रहती है, वो evolve करती है. Science can change from one day to the other. जैसे कि हमारा ये virus जब start हुआ था तो किसी और shape में था, then it mutated into something else. राइट, कोरोना कुछ और बन गया. अब उसका जो स्ट्रेन चल रहा है, इट इज वेरी माइल्ड, उससे लोग थोड़ा सा बीमार होते हैं, खांसी वगैरह होती है उनको. अभी मेरी मम्मी को कोरोना हुआ, राइट, तो उनसे कोई फ्रेंड मिलने आए थे इतने अरसे बाद, दो साल बाद वो फ्रेंड मिलने आए. जिस दिन आए तो पता चला कि उनको कोरोना था, तो उनसे फिर उनको लगा, मेरी मम्मी को लगा, मेरी मम्मी से फिर मेरी बहन को लगा. तो मुझे जाना था वहां पर लास्ट वीक, मैं नहीं गई इसी वजह से कि उन्होंने मुझे बता दिया था. तो माई मॉम इज इन हर 60s, वो अब 60s में है. तो दो या तीन दिन जोर था, बुखार था, गला खराब था, मगर नाउ शी इज फाइन. सेम थिंग विद माय सिस्टर, दो तीन दिन जोर था उसका, शी इज फाइन. यहाँ पर जो जेनिया की फ्रेंड है, लड़की है, उसने हालांकि वैक्सीन लगाई भी थी,
वैक्सीन लगाई भी थी उसने भी और उसके माँ बाप ने, उसको कोरोना हो गया बच्चों में से, वो भी ठीक हो गई, उसको बस थोड़ा सा वो कह रही थी गला खराब हुआ था, एंड दैट वाज इट। फिर उसकी माँ को हुआ सेम थिंग, दो तीन दिन शी वाज वेरी डाउन, देन शी इज फाइन। ठीक है, सो हम तो ये बात पहले ही कह रहे थे, अब आगे सुनते हैं। साइंस इज अबाउट मेजरमेंट्स, कंक्लूजंस, हाइपोथेसिस एंड आर्गुमेंट्स। We got to a point right now where even if you say something, if you raise any doubts, you're already considered, you know, as whatever, you know, they label you in very different ways. You're considered anti-science. अगर आप जरा सा भी क्वेश्चन करते हैं आप एंटीवैक्सर हो, बस जरा सा भी आपने वैक्सीन पे क्वेश्चन क्यों किया, एंटीवैक्सर हो, यू आर एंटीवैक्सर। ओ भाई मैंने सारी वैक्सीन कार्ड, इतने बड़े मेरे वैक्सीन कार्ड पे जो टिक्स लगे हुए हैं वो एंटीवैक्सर होती तो सारी थोड़ी लगी हुई होती। But that was it. I was called an anti-vaxxer by so many people. And I have to tell you, you know, that when I saw the protest in Canada, you know, the way the truckers over there reacted, you know, I got in touch with some of them. Others contacted me. I congratulated them, and I want to use this opportunity. ये कह रहा है कि वो जो ट्रकर्स थे वहां पर उनके साथ जो हुआ इसने देखा और इसने भी उनको कांटेक्ट किया, चंद लोगों ने इससे भी कांटेक्ट किया, and that was horrible. To thank them. And I hope this movement for freedom and for rights is spreading all around the world. Because at the end of the day, we have to make sure that all these elected officials, they understand that they were elected in those offices to work for the people, not to... ये कह रहा है कि भाई ये सारे जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिनको हम इलेक्ट करके लेकर आते हैं, उनको ये समझनी चाहिए बातें कि ये हम लेकर आते हैं, हम लोग आम लोग जो है ना वो लेकर आते हैं और ये आकर हमारे सर पे खुदा बन के बैठ जाते हैं, तो दैट इज नॉट द केस। हम लोगों ने इनको अपॉइंट किया, आई एम श्योर ही इज करप्ट टू, मगर बोलने में गए लाइक मास्टर्स ऑफ स्लेव्स। थैंक यू honorable members, we keep discussing here our European democratic values that underpin all of our actions. I worked in Syria and Pakistan for many years. तो ये बोल रहा है कि हम जो यूरोपियन पार्लियामेंट में आए हैं यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बात करने आए हैं, और इस बंदे ने सीरिया और पाकिस्तान में बड़ा काम किया है, तो यही कह रहा है कि भाई ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और बहुत उसको चेरिश करता है, संभालता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी चलती है, कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है सीरिया में। As a diplomat and therefore value democracy very highly. Now, invitation to Canadian PM Justin Trudeau is an invitation to someone who's been trampling on democratic rights, who's been तो ये कह रहा है कि ट्रूडो ऐसा बंदा है जो डेमोक्रेसी पे बिल्कुल कुचल दिया है, जिसने डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी इज नॉट इन कनाडा, और हम ये चीज बोल रहे हैं काफी अरसे से, मैं तो 2017 से बोल रही हूं इस चीज पे, नोबडी गिव्स अ शिट। ये सारी बातें हम तो तभी कर रहे थे, मैं जब पार्लियामेंट में गई थी, आई रिमेम्बर 2018 में हम लोग पार्लियामेंट गए थे ऑटावा में, वहां पे प्रोटेस्ट करने गए थे, 200 बंदे थे। इस साल 2022 में वहां पे देखना था तो भाई थाउजेंड्स में बंदा था, तो ऐसा ऐसा लोगों को समझ में आ रही है। People who protested against disproportionate corona measures, people who were supporting a non-sanctioned movement coming under criticism. So clearly the values of democracy are being despised by this individual. Let us not give someone like this any speaking time in this house of democracy. तो वो यही कह रहा है कि भैया ये तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, और ऐसे बंदे को यहाँ बोलने का बिल्कुल हक नहीं देना चाहिए, निकालो इसको बाहर, निकालो, उसके मुंह पे बोल के गए यार, आय हाय आय हाय। Orstovane kolege, dear colleagues, dear citizens, Prime Minister Trudeau, freedom, the right of choice, the right to freedom, the right to work. For many of us, these are basic, fundamental human rights that millions of people across the Europe and across the world have given their lives in order. So, ये कह रहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब कि हर किसी को यहाँ पे एक चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट। आप किसी के, अगर आप किसी, कोई कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसको वो चॉइस दी जाती है, ओके ठीक है भाई आप ट्रांस कर लो, अपने आप को ट्रांसफर कर लो, तो एवरीबॉडी हैज दैट चॉइस व्हाट दे वांट टू पुट इन देयर बॉडीज एंड स्टफ। तो ये जो चीज इन लोगों ने की थी, दैट वाज नॉट राइट, तो ये उसी पे बात कर रहा है कि दीज आर द वैल्यूज दैट वी डिफेंड आवर राइट्स एंड द राइट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, राइट्स दैट वी हैव फॉट फॉर सेंचुरीज।
many of us, including me, myself personally, are ready and willing to risk our own freedom and to lay down our own lives. तो ये वही कह रहा है कि भाई इस आजादी के लिए इतने लोगों ने जाने दी हैं अपनी, इतने लोगों ने सैक्रिफाइसेस की हैं और हम फिर वापस उसी तरफ आ रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ. Unfortunately, today among us, there are also those who want to trample those basic rights. Canada. ये इस तरह से जो टर्न किया ना, ये जस्टिन ट्रूडो की तरफ देख रहा था कि हमारे बीच में कहना, अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में आज कुछ ऐसे लोग हैं जो ये डेमोक्रेसी को ट्रैम्पल करना चाहते हैं, कि कुचल देना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है ना? तो अब ये टर्न अराउंड होके ट्रूडो की तरफ देखता है. Once a symbol of the modern world is under your quasi-liberal leadership, and over the few past few months it has become a symbol of violating basic human rights and civic freedoms. So ये क्या कह रहा है कि आपके जो जब से आप आए हो और आपकी लिबरल लीडरशिप के अंडर जो है लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, पर्सनल चॉइसेस वायलेट आपने की हैं. और ये वही है ना, लिबरल्स, आई स्वेयर टू गॉड आई वाज अ लिबरल, आई यूज्ड टू कॉल मायसेल्फ अ लिबरल. अब मैं नहीं बोलती अपने आप को लिबरल, मुझे ऐसा लगता है वो गाली दे रहा है. आई डोंट कॉल मायसेल्फ अ लिबरल एनीमोर, क्योंकि लिबरल जो है ना, दे आर आउट टू लंच, पागल हो गए वो. स्पेशली फार लेफ्ट पे आप चले जाओ ना, जितना पागल हो गए सारे पागल हो गए. लिबरलिज्म के नाम पर ये कंट्रोल जा रहे हैं. तो लिबरलिज्म वो नहीं रहा है कि भाई हर किसी को इजाजत हो, इक्वल राइट्स हो ना. लिबरलिज्म ये हो गया है कि नहीं, मेरी बात सही है और मेरी बात आप नहीं सुनोगे तो फिर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा, आपकी वैल्यू मैटर ही नहीं करती. ये हो गया है लिबरलिज्म. So I am not from the left, I am not from the right. मैं सेंटर में बैठी हूँ, ठीक है? So don't confuse me कि मैं इधर की हूँ या उधर की. We have witnessed women being trampled by horses. तो हुआ ये था कि protesters यहाँ खड़े थे और पुलिस वाले यहाँ खड़े थे, एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे थे, राइट? इस तरीके से अब खड़े हुए फेस ऑफ कर रहे हैं, पुलिस वाले ऐसा ऐसा करके उनको पुश कर रहे थे. इन्होंने क्या किया, इसके बीच में थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जगह दिया, they were like this close to each other. तो यूं पुलिस वाले यहाँ खड़े, ये लोग यहाँ खड़े, पीछे से यहाँ से घोड़े आते हैं यूं करके बीच में, राइट? घुसने की कोशिश की उन्होंने, और वहां पर एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, उसने वो पकड़े हुई थी, नहीं होती वॉकर के साथ वॉक करती थी. ओ भाई, वो घोड़ों के पाँव के नीचे आ गई, उसको कुचल दिया उसको. आई डोंट नो कि उसको शी हैड लाइक अ ब्रोकन शोल्डर और समथिंग. दो लोगों को, वो तो हॉर्सेस ऐसे ट्रेंड होते हैं आपके कि वो किसी के ऊपर पाँव नहीं रखते, तो हॉर्स ने खुद अपने आप को मनूवर करके बचा दिया. मगर जिस तरीके से आप घुस रहे हो तो ऑब्वियसली यही होगा ना, और ये पुलिस ने किया था. और फिर पुलिस ने बाद में स्टोरी, पुलिस ने ये बनाई, पुलिस ने ये कहा कि वहां पर हमारे ऊपर किसी ने बाइसाइकिल भेजी फेंक दी थी, हॉर्सेस पे हमारे किसी ने साइकिल फेंकी. इतनी स्नो में मुझे बताओ बाइसाइकिल कौन चला रहा था वहां पर, है? तो नीचे लोग नहीं, इतनी झूठ, इतना झूठ कि I was just dying laughing. Single parents being their bank accounts are being blocked so that they cannot pay for their children's schools, they cannot pay for medicine, they cannot pay their electricity bills, their water bills. So आम इंसान जिसने अगर $10 भी पे किए थे GoFundMe में या GoSendGo में, अगर उन्हें $5 भी दिए थे तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए उन्होंने. अब देयर कुड बी मेनी पीपल, कुछ बूढ़े लोग हो सकते हैं उसमें, कुछ सिंगल मॉम्स भी थी उसमें, मगर आपने उन लोगों की लाइफ को तबाह बर्बाद कर दिया फॉर अ मंथ, ये जितनी देर के लिए भी आपने अकाउंट फ्रोजन किए थे. हाउ कुड यू डू दैट टू द पीपल, सिर्फ एक चैरिटी को, यानी किसी को सपोर्ट करने के लिए. क्योंकि जब ब्लैक लाइफ मैटर आता है तो जो इतने सारे डोनेशन आते हैं तो कुछ नहीं होता, तो ट्रूडो वहां जाके खुद खड़ा होता है ब्लैक लाइव्स मैटर की उस पे, जिन्होंने पूरे पूरी टाउन जला दिए, जिन्होंने जाकर एक पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और वहां पर गोलियां चली, वहां पे कितने लोग मरे. एक दो हफ्ते तक वहां पर वो टेक ओवर करके रखा हुआ था उन लोगों ने ब्लैक लाइव्स मैटर ने. और जब इन लोगों का प्रोटेस्ट हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर का, तो पूरी जो दुकानें थी ना, उन्होंने लकड़ियां लगा ली थी, लकड़ियां लगा ली थी. क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था ना, तो उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स में गुची, शनेल, नाइकी, बड़े बड़े ब्रांड नेम स्टोर्स के शीशे तोड़े थे और जाकर लूटम मार की थी वहां पर, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई थी इन्होंने,
तबाही बर्बादी और इतना नुकसान किया था, तब ट्रूडो और ये सारे लेफ्टिस्ट को कुछ नहीं दिखा था। इस दफा जब कोई चीज टूटी नहीं, उन लोगों ने अपना गार्बेज तक उठा उठा के करा, स्नो शवलिंग की है साइड पे सब कुछ, तो वो उनके आपने जो है डोनेशन सारी इकट्ठी कर ली। और इनका कहना ये था कि डोनेशंस जो है ये बाहर के मुल्कों से आ रही है, मतलब कि यूएस से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, ये न्यूज जो है आ रही थी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे से। बाद में अब एक महीना गुजर गया है, तो जब फिनट्रैक जो यहाँ पर फाइनेंशियल जो चीजें हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है, तो उन्होंने फिर ये न्यूज दी कि जितने डोनेशंस आए थे ज्यादातर वो कनाडा से थे और ऐसी कोई बड़ी डोनेशन बाहर से नहीं आई थी, यानी दीज वर द लोकल पीपल। इससे आपको ये पता चलता है कि फ्रीडम, एक आजादी की कितनी यहाँ पे भूख है, कि थोड़ी सी होप दिखती है तो कितने लोग उसके पीछे खड़े हैं। जितने पैसे इन लोगों ने विद इन अ मंथ एंड अ हाफ रेज किए, यानी ऑलमोस्ट 22-23 million dollars, इतने यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो पूरे साल में कंबाइंड तीनों पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं रेज कर सकती है इतने सारे फंड्स, ठीक है। सो इन लोगों की गांड में आग इसी वजह से लगी थी कि हमको तो मिल नहीं रहे, और उन्होंने कहा फॉरेन से फंडिंग आ रही है, तो भाई आप लोगों को कितनी फॉरेन की फंडिंग आ रही होती है, इतनी यहाँ पर चीजें आ रही होती हैं, फॉरेन फंडिंग तो बहुत चलती है हमारे यहाँ। They cannot pay the debts they have, their mortgages. For you, maybe these are liberal methods. But for many citizens across the world, this is a dictatorship of the worst kind. Be assured that the citizens... तो ये कह रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, आपको लगता होगा कि लिबरल वैल्यूज हैं, मगर हमारे लिए जो ये हैं ये वर्स काइंड की जिसे कहते हैं ना डिक्टेटरशिप, वो है। सो बस थोड़ा सा रह गया। The world, when united, can stop any regime that wants to abolish the freedom of citizens, whether by bombs or by harmful medicine. Thank you. जी, जो पहली वाली थी ना, थैंक यू। बेस्ड ऑन आर्टिकल 195 डाउट दैट इट वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट फॉर मिस्टर ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा टू एड्रेस दिस हाउस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 144 एन आर्टिकल व्हिच वाज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू डिबेट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ व्हिच इज क्लियरली द केस विद मिस्टर ट्रूडो। इसकी पूरी स्पीच नहीं है, मगर इसने भी बड़ा पेला था इसको। ओए होए, क्या पेला है, ऐसा रोस्ट किया है, ओ माय गॉड, ऐसा रोस्ट किया है ट्रूडो को, मुझे तो बड़ा मजा आया, मेरे दिल को नाम में बाह बाह हो गया मेरा दिल। अरे नहीं पता, पूछ रहा, आप बता दो क्या कहा उसने और है कौन वो, किसकी बात। ट्रूडो हैड पुट ब्लैक फेस बैक इन कॉलेज, ट्रूडो का तो मुंह काला ऐसा हुआ है कि अब तो फॉरएवर ही मुंह काला मुंह करके घूमेगा। मालीज पाकिस्तान में शायद नाम की डेमोक्रेसी है, नाम की डेमोक्रेसी रह गई है। बहुबाली जी, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कनाडा में भी नाम की डेमोक्रेसी रह गई है। और हमारे यहाँ पर अभी मैं ट्विटर पे जाती हूँ ना, तो इतना प्रोपेगेंडा इतना दिख रहा होता है कि ओ आर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज द बेस्ट, आर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज द बेस्ट। व्हाट इज ही द बेस्ट? इतना महंगाई, इतना इसने हमारे ऊपर जब से ही आया है कर्जा चढ़ा दिया है इसने, ये वैसे ही है ऐसे इमरान खान है, सिर्फ पीपल काइंड शी विल, बस यही वो क्या कहते हैं इसको, वर्चू सिग्नलिंग, बस वर्चू सिग्नलिंग करा दो। ये था ड्रामा टीचर, ये इसके पास ना दिमाग था ना कुछ था, ये था ड्रामा टीचर, ठीक है ना। जितने टेररिस्ट है ना उनसे इसका ताल्लुक है, ओके। हमारा जो उमर खादर था जिसको इसने $10 million दे दिए उस बंदे को, जो अफगानिस्तान में पकड़ा गया बॉम्ब बनाते हुए, बॉम्ब बना रहा था वो वहां पर, ओके। उसकी तस्वीरें हैं जहां पर वो एक कटे हुए किसी के हाथ लेकर यूं खड़ा हुआ है, बच्चा है उस वक्त, तो उसको वहां पर जब यूएस सोल्जर्स वगैरह ने पकड़ा तो उसको उठा के ले गए थे गुंटानामो बे, और उसने फिर कैनेडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया कि भाई मेरे पे यहाँ पर जो है ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने इसको $10 million देकर इसका मुंह बंद करवाया था। अब बड़ी बात है हमारे लॉयर्स की, लॉयर्स जो है ना, लॉयर्स और ये सारे जो पॉलिटिशियंस और ये सारे जो पुलिस में भी बैठे हुए होते हैं ना, ये सारे कौन है ये लोग? असल में हमारी दुनिया वो चल रही है करप्ट लोगों से, बदमाशों से, क्रिमिनल से।
मुझे वो वीडियो नहीं मिल रहा है, मैंने एक वीडियो देखा था यार, इतना जबरदस्त उस बंदे ने वो वीडियो बनाया था कि दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय क्रिमिनल्स, शरीफ लोग थोड़ी रूल कर रहे हैं इसमें, दो शरीफ कोई बंदा आ जाता है उसको उड़ा देते हैं ये लोग, ना शरीफ आप कोई ना शरीफ बंदा चला ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसको चलाने ही नहीं देंगे, सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो पावर में बैठे हैं, ठीक है ना। अब आप क्रिमिनली पावर में आ जाते हो, क्या आ जाता है आपके पास, पैसा आ जाता है, पैसा आ गया, पावर आ गया, आप किसी को भी खरीद लो, मीडिया आपका, सिक्योरिटी आपकी, सब कुछ आपका, यू हैव लाइक यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है ना। हम तो, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस वजह से बिलीव नहीं करती हूँ, हमें देखा है लोग अक्सर बीबीसी, सीएनएन और इन चीजों को कोट कर रहे होते हैं, एंड दैट्स देयर ओन विश, ठीक है, बट आई डोंट बिलीव इन देम, ना ही मैं फॉक्स न्यूज हो गया उस पर भी मैं कोई बिलीव नहीं करती हूँ, देयर आल्सो प्रोपेगेंडा मशीन। इंडिपेंडेंट मीडिया जो अब आ गया है ना, ऑनलाइन मीडिया, इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं, जो छोटे छोटे ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो पहुंचे हुए होते हैं, उन पे मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ कि आई कैन सी इट, राइट। यही इस कॉन्वॉय, इस प्रोटेस्ट में यही हुआ कि 10-12 लाइव स्ट्रीमर्स 24 घंटे लाइव थे, कोई ना कोई, किसी आए आप उठा लो, कोई ना कोई लाइव जरूर था, ठीक है। तो उससे ये हमको पता चल रहा था कि हो क्या रहा है, अगर कहीं कोई एक्शन होता तो ये सबसे पहले ये लोग भागते थे वहां पर देखने के लिए। अब वहां से हमको न्यूज बता रही है कि भाई वहां तो नाची फ्लैग वाला बंदा आया हुआ था, ये सारे रेसिस्ट हैं, ये सारे ट्रांसफोबिक हैं, विच आई डोंट इवन नो व्हाई दैट मैटर्स, ट्रांसफोबिया कहाँ से आ गया एक प्रोटेस्ट में, ये सारे होमोफोबिक हैं, ये सारे इस्लामोफोबिक हैं, ये सारे फोबिक हैं, इन डिसक्रेडिट करना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं यहाँ पर बैठ के इस्लाम पे बात करती हूँ तो सबसे पहले मोमिन आगे क्या करते हैं, मेरे कैरेक्टर पे बात करते हैं ना, वो चूतिया वहां बैठ के क्या कर रहा होता है, मेरे कैरेक्टर पे बात कर रहा होता है ना, क्योंकि वो लॉजिक पे बात नहीं कर सकता, लॉजिक पे बात करेगा तो उसको पता है वो हार जाएगा, तो क्या करो, इसकी कैरेक्टर पे आ जाओ, इसके कपड़ों पे आ जाओ, इसकी पर्सनल लाइफ पे आ जाओ, दैट्स व्हाट दे डू, इसको पर्सनली टारगेट करो, क्योंकि जब इंसान के पास वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो दैट्स ऑल दे डू, उनके पास कुछ और है ही नहीं बोलने के लिए, तो इसी वजह से इस तरीके से इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। और वही मैं कह रही हूँ ना, अब एक महीना गुजर गया है, अरे अब मैं बताना भूल गई आपको कि जब ये कॉन्वॉय को हटाया तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन सबको अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने, उसमें एक लड़की भी थी, औरत थी, उसमें 3-4 लोगों का अरेस्ट किया, उनमें से एक बंदे को फौरन छोड़ दिया इन्होंने, उसकी 2 दिन में बेल हो गई, जो औरत थी उसको 2 हफ्ते इन्होंने रिगड़ाया है वहां पर जेल में, और उसके चार्जेस क्या थे, मिस्चिफ, मिस्चिफ पे उसको अंदर किया और उसकी बेल को 2 दफा डिनाई किया। अब हमारे मुल्क में यहाँ पर गैंगस्टर्स हैं, शूटिंग करने वाले हैं, रेप करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, और बड़े घटिया घटिया क्राइम करने वाले हैं जिनको फौरन बेल हो जाती है, नेक्स्ट डे बेल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर एक औरत से इनको ऐसा खतरा था, और वो भी सिर्फ मिस्चिफ के चार्ज में, कि उसको 2 हफ्ते तक अंदर रखा। अब जब वो कोर्ट में गई तो उसकी उसकी जो वहां जज बैठी हुई थी वो किसकी दोस्त थी, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की दोस्त थी, तो उसने तो डिनाई कर दी उसको। सो इस तरीके से चलता है, आप मेरी बैग खुजाओ मैं आपकी खुजाता हूँ, दिस इज ऑल वेरी मेस्ड अप डर्टी पॉलिटिक्स, ऐसे ही नहीं बोली जाती, डर्टी पॉलिटिक्स, इट इज वेरी वेरी घटिया पॉलिटिक्स। अब जो मैंने कश्मीर फाइल्स में चीजें देखी है ना, मे बी सम पीपल डोंट सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, मैं किसी और नजरिए से देख रही हूँ। मैं पहले दुनिया को, लाइक यू कैन से 2016 15 में, बिल्कुल ही दुनिया को डिफरेंट नजरिए में देखती थी। मैं पाकिस्तानियों के बीच में काम कर रही थी, मैं यहाँ भी जाती थी, आई वॉज गोइंग टू द मॉस्क, आई वॉज गोइंग टू ईद मिलन पार्टीज, होली पार्टीज, इन जगहों पे मैं एक टीवी चैनल पे काम कर रही थी, राइट, इन्हीं के बीच में रह के मैं काम कर रही थी, राइट। मुझे होश तब आया जब ये मोशन M103 इस्लामोफोबिया के इन्होंने लाने की, तो फिर क्या हुआ, आई काइंड ऑफ स्टेप्ड बैक, और फिर मैंने देखा, मैंने कहा वाओ, क्योंकि हम लोग वही थे, हमारी फैमिली में गेट टुगेदर्स वगैरह जब होते थे और हमारे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आते थे तो बाज़ वक़्त लड़ाइयाँ हो जाती थी, मेरी मम्मी और एक दो लोग हैं जो इस्लाम छोड़ चुके थे, हमसे पहले ही छोड़ चुके थे, और वो लोग पहले ही, यानी ये बातें होती रहती थी, मेरी मम्मी हो गई और एक हमारे फ्रेंड है, वो पंजाब
पढ़ रहे थे, उसे किसकी किताब पढ़ रहे थे, मोहम्मद पे ही किताब पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले तो वो एथियस्ट, फिर मम्मी एथियस्ट हुई, तो वो मोहम्मद पे पढ़ रहे थे, तो मोहम्मद की चीजें बोलते थे ना, तो मुझे भी बुरा लगता था, इवन तो मैं उसे मुसलमान नहीं थी, तो मैं कहती थी यार छोड़ो ना, आपने क्यों बोलना है, व्हाई डू यू हैव टू पिस देम ऑफ, व्हाई डू यू हैव टू से इट, मैं ऐसी ही थी, आई वॉज जस्ट लाइक अ लिबरल, ब्लाइंड टू एवरीथिंग. फिर मेरा जो रेड पिल आपने थे ना, ब्लू पिल खानी है, अभी रेड पिल खानी है, तो वो मेरा रेड पिल मोमेंट आया था 2017 में, ये इस्लामोफोबिया. तो जब मैं पीछे हटके मैंने देखा, मैंने वो लाइक गॉड डैमन इट, ये वो क्या रहा है, तब से लेकर अब मैं, तो जो मैंने कश्मीर फाइल्स देखी उसमें चंद चीजें जो दिखाई गई है, मीडिया का प्रोपेगेंडा, विक्टिमहुड खेलना, कोई भी चीज हो जाए उसमें इस्लामोफोबिया को ले आना, जुल्म करो और खुद ही विक्टिम बन जाओ, ये चीजें देख, तो I could relate a lot of things to that. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि भैया आप कट्टर बन जाओ. I'm not saying that. मगर I'm saying कि I agree with a lot of things that were shown in that movie. अब लोग इसको propaganda कर रहे हैं. मैं दूसरी तरफ से आती हूँ. अब मैंने बहुत Bollywood movies देखी हैं. काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें आपने balance नहीं किया, balance नहीं किया, balance नहीं किया, balance नहीं किया, balance नहीं किया. I mean जितनी अभी हजारों मूवीज आई हैं मुसलमानों पे, इतनी मूवीज आई हैं, उसमें तो बैलेंस था ना, उसमें बैलेंस था ना. अगर हिंदुओं ने एक मूवी अपने लिए बना भी ली, अपने लिए बना भी ली, तो भाई क्यों, why? I can understand कि हाँ भाई उसमें उनमें कट्टरता बढ़ रही है, तो I don't think कि वो मूवी की वजह से और बढ़ेगी, वैसे ही बढ़ रही थी, वो वैसे ही बढ़ रही थी, मूवी आए या ना आए, वो कट्टरता तो बढ़नी थी. मूवी इज जस्ट देयर, और मूवी भी इतनी बड़ी नहीं होती, मूवी बड़ी इस वजह से हुई क्योंकि इस पे बैन लगा दिए, इस पे बैन लगाया तो लोगों ने कहा हम तो अब ज्यादा ही देखेंगे, मुझ पे बैन लग जाएगा ना, देखो कितने लोग आके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई. तो खैर कितना, एक घंटा हो गया, इतनी देर मैंने बड़बड़ कर ली, एक घंटा बैठ गई मैं यहाँ पर, वाओ मालीज, प्राउड प्राउड. आज आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, आई कैन सी मूवी में है क्या, मूवी में वही है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वही दिखाया है उन्होंने, दैट्स ऑल दे शोड. अब वो लोग चाह रहे थे कि भाई उसमें मुसलमानों को भी दिखाएं कि भाई उसमें अच्छे मुसलमान थे, उसमें ऐसे मुसलमान थे, वो थे, बट दे हैव ओनली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स. जैसे कि यहाँ पर काले होते हैं, राइट, कालों ने अपना एक अपना चैनल बनाया हुआ है BET के नाम से, है ना, उसमें वो सिर्फ कालों का ही चीजें से दिखाते हैं. अब उनसे कहो गरीब भाई तुम बैलेंस करो, जैसे गोरों के चैनल्स होते हैं ना, तो गोरों से कहा जाता है आपको बैलेंस करना है, हर मूवी शो आप उठा लो, कोई भी शो उठा लो या मूवी उठा लो, उसमें एक काला दिखेगा, एक एशियन दिखेगा, अब आपको एक इंडियन पाकिस्तानी भी दिख जाएगा, ठीक है ना, ये होते हैं, उनको डालने होते हैं. यू हैव टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ माइनॉरिटीज इन योर शोज, इन योर वर्क स्पेस, इन एवरीथिंग, ठीक है. गोरों को अलाउड नहीं है कि वो सिर्फ गोरी की चीज अलग करें, वो वाइट सुप्रीमेसी में आ जाती है, उसमें आप जो है रेसिस हो जाते हो, उसमें यू आर बिकमिंग वाइट सुप्रीमिस्ट. मगर अगर कालों का अपना अलग चैनल है और वहां सिर्फ काले ही दिख रहे, दैट्स फ्रीडम ऑफ कोर्स. तो मैं वही कंपैरिजन आपको करके बता रही हूँ कि अगर मुसलमान अपनी कोई एक अर्तुगल वो बना देते हैं, राइट, अर्तुगल वो बना देते हैं, उसमें वो काफिरों जो है बिल्कुल ही कमीना दिखा देते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. मगर अब अगर एक मूवी ऐसी बन गई जिसमें सिर्फ हिंदुओं ने अपने ऊपर ही फोकस किया है, तो उसको प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है. यू हैव टू बी फेयर. बॉलीवुड में कितनी मूवीज आई हैं, मैं उस दिन यही बता रही थी कि भाई मैं तो खुद खुदा की मूवीज देख रही होती हूँ, राइट, उसमें कितनी जगहों पर मुसलमानों को अच्छा दिखाया है, हिंदुओं को जो है वो खराब दिखाया है. आई हैव सीन इट, यू नो. मौकफ को सपोर्ट करोगी हम मूवी में, मूवी आग में घी का काम कर रही है माली सरकारी. देखें डेविल जी, जिसको एक्सक्यूज चाहिए होगी ना, वो एक्सक्यूज मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अब जो टेररिस्ट हैं उनको कौन सी मूवी बना के दिखाती है, जो वो तेल का नाम, वो जब उनका दिल करता है वो जाके फोड़ देते हैं, बम कर देते हैं वो, यू नो. मगर आप एक क्या है, कैसे बोलो इसको, आप एक तबके को बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है. मैं आपको बता रही हूं ये होना था और इसकी रिस्पॉन्सिबल हिंदूज पे नहीं मैं डालूंगी, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगी आपके लेफ्ट पे,
मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से लेफ्ट पे डालूंगी क्योंकि हमारा मैं लिबरल थी ना, मैं लिबरल थी भाई, मगर हमारे लेफ्ट ने क्या करा, हमारे लेफ्ट ने इतना पुश किया चीजों को, इतना पुश किया चीजों को कि आई वेंट मोर टूवर्ड सेंटर। मैं अब लेफ्ट की तरफ नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट वांट इक्वल राइट्स फॉर एवरीबॉडी, आई वांट एवरीबॉडी टू बी ट्रीटेड फेयरली, आई वांट एवरीवन टू बी ट्रीटेड फेयरली। इसका मतलब ये नहीं है मैं कहती हूँ नहीं हूँ मैं रेसिस्ट बन गई हूँ, ना इट डजंट। मगर जो लेफ्ट के लोग हैं ना वो मुझको रेसिस्ट ही बोलेंगे, मुझे रेसिस्ट बोल रहे होते हैं, आई एम लाइक ओ भाई मैं कौन सी यहाँ पे गोरी बैठी, मैं कहाँ से रेसिस्ट हो गई। So, अगर कोई अपने उस पे बना रहा है तो मैंने ऐसे कहा ना कि सॉरी मैंने कहा ना कि लेफ्ट का इसमें बहुत हाथ है, जब आपका लेफ्ट कुछ नहीं करेगा और चुर्चियां देगा चुर्चियां देगा चुर्चियां देगा। हमारे लेफ्ट ने $10 million दे दिए, $10 million एक टेररिस्ट को दोगे तो जो कनाडा में जो ओरिजिनल लोग बैठे हैं, चलो गोरो को हटा दो, जो इंडिजिनस लोग बैठे हैं, नेटिव जो बैठे हैं जिनकी रिजर्व्स पे अभी तक साफ पानी नहीं आ रहा है, वो क्या सोचेगा? उसके अंदर नफरत नहीं भरेगी? उसका दिल ये नहीं करेगा कि यार ये तो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, इनको मिल रहा है, हम यहाँ आके बॉर्न है, हमारे मुल्क पे हमारी जमीन पे आके कब्जा किया, हमी को कुछ नहीं मिल रहा है, हमें ठेंगा दे दिया, हमको सिर्फ अपोलोजाइज कर दिया मगर हमारे लिए कोई काम नहीं किया, तो गुस्सा नहीं आएगा उसको? मुझे आप खुद बताइए, मेरे घर में कोई मेहमान आके बैठता है, ठीक है, मेरी माँ मेरे को छोड़ दे, बस उस मेहमान के ऊपर ही पूछ चढ़ जाए बस ये उसी को अटेंशन देती, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना कि भाई मैं इस घर की रहने वाली हूँ, मुझे तुम कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो। आजकल हो क्या गया है अब कनाडा में कि जो यहाँ के नेशनल्स हैं जिनको सिटीजनशिप मिली नहीं है वो काम करे जाए, टैक्सेस भरे जाए, दूसरे लोग यहाँ आते हैं, ठीक है, जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनको आते साथ ही यू हैव $3,000 पर मंथ, यू हैव डेंटल, यू हैव हेल्थ केयर, और इसका पे कौन कर रहा है? पे वही लोग कर रहे हैं जिनको रेसिस्ट, इस्लामोफोबिक, होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक वो बोला जा रहा है, जो बंदा एक्चुअली काम कर रहा है, तो फिर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो आप मूवी बनाओ या ना बनाओ, ये कट्टरता, ये डिविजन आपके लेफ्ट ने क्रिएट किया। और मैं राइट का भी वो नहीं कह रही हूँ, राइट इज वेरी गुड ईदर, ना उनके भी चंद चीजें ऐसी इनसे मैं अग्री नहीं करती, दैट्स व्हाई यू हैव टू बी इन द मिडल। जब आप एक दफा, मैंने एग्जांपल दिया है कि भाई एक पेंडुलम है ना, उसको यू स्विंग करो, राइट, यू स्विंग इट, क्या होता है जब वो लेफ्ट स्विंग करेगा, सॉरी राइट स्विंग करेगा, तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, जब इस तरफ जाएगा तो इधर आएगा। अब आप उसको छोड़ दो तो उसको बीच में आने में टाइम लगता है। जब आपका पेंडुलम बिल्कुल ही लेफ्ट पे चला गया है ना, फार लेफ्ट पे, तो अब उसका क्या है, टर्न क्या होगी, इट्स गोइंग टू स्विंग ऑल द वे टू द राइट, फिर वो आहिस्ता 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 जाके सेंटर में सेटल होगा। अब आपने पूरी तरह लेफ्ट पे चले गए हो ना, अब बैठो, अब आप जाओगे पूरी तरह राइट पे, एंड दैट इज द रीजन कि आप यूरोप उठा लो, दैट इज द रीजन जो ट्रंप आया था, दैट इज द रीजन कि यहाँ पर भी हमने कंजर्वेटिव जो है उसको लाकर बिठाया था, मगर देर यहाँ के तो कंजर्वेटिव भी शिट है, वो भी लिबरली है, देयर इज नो डिफरेंस। दैट इज द रीजन कि आप यूरोप की कंट्रीज में देखो वहां पर जो है राइट विंग पार्टीज आनी शुरू हो गई, राइट, फ्रांस में कौन है वो, मैक्रॉन। जब मैक्रॉन के इलेक्शंस हुए थे लास्ट टाइम, तो उसमें एक बंदी है, उसका नाम क्या है यार, आई कैंट रिमेम्बर, बट मैं दिखाती हूँ आपको, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये फ्रांस की बंदी है, मरीन लपेन, ओके, सो आई वांट टू शो यू दिस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, चंद लोगों को शायद बोरिंग लग रहा हो मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स आई नो इट्स पॉलिटिकल एंड स्टफ बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हो क्या रहा है। सो ये है लपेन, ओके, इसका बाप जो था ना उसकी पार्टी थी एक नाट्सी पार्टी होती थी, यानी दे आर वेरी फार राइट, जिसे कहते हैं ना रेसिस्ट पार्टी। तो वो जब रिटायर हो गया तो शी टुक ओवर द पार्टी, इसने ले लिया, इसने थोड़ा सा उसको वाटर डाउन किया, यानी थोड़ा कम किया, बिल्कुल रेसिस्ट, और इसने जरा सा उसको डिस्टेंस करने की कोशिश की। कहा जाता है कि इनकी पार्टी को मेरे ख्याल से 20-25 साल तक कोई एक सीट नहीं मिलती थी, कोई कुछ नहीं मिलता था। लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे लपेन केम सेकंड पे आ गई थी,
इसी तरह से आई थिंक इटली है या कौन सी है जहां पर एक बंदा था वो भी कंजर्वेटिव था, उसने अपनी पार्टी 5 साल पहले स्टार्ट की थी, ही वन। तो आप जिस तरीके से लोगों को पुश कर रहे हो ना, तो एक जगह से भाग कर फिर दूसरी जगह जाएंगे, एंड यू आर पुशिंग देम इन द रॉन्ग एंड। यहाँ पर लाइक का बटन है, उसको जरूर दबाना है आपने, लाइक के बटन को। ओके, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा ही लो यार, जब बटन ही दबा रहे हो तो वो भी दबा लो। और अगर वो भी दबा लिया है तो फिर वो नोटिफिकेशन का बटन पड़ा है ना, उसको भी ऑन कर लेना।